जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, मतलब जब रिजल्ट हुआ था 1275 का तो बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगा था, मतलब 2 लाख में खरीद लिया सबको, ठीक है। अरे 2 लाख में हम खरीदे तो आप भी तो खरीद सकते थे, क्यों नहीं खरीदे, ठीक है। तो ये तो एकदम बेबुनियाद आरोप है। हम तो चैलेंज भी किए थे कि अगर आपको लगता है कि हम किसी को 2 लाख में खरीदे हैं तो आप बुलाइए उसको, आप उसको बुलाइए स्टेज पे, हम भी बात करते हैं कब कहाँ खरीदे, कब कैसे हम आपको पैसा दिए, अकाउंट में दिए कि फोन पे पे दिए कि गूगल पे पे दिए, समझ गए। किसी ना किसी रूप में तो पैसा दिए होंगे ना जब खरीदे हैं तो, ठीक है। तो कम से कम ये दिखा है, समझ गए। तो मतलब एक तो ये पूरी तरीका से बेबुनियाद आरोप है। और देखिए, हम 75 गो यूट्यूब चैनल बनवा करके अपने से कमेंट नहीं करवाते हैं कि हम भगवान हैं, हम तो देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, हम तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, समझे। तो भक्ति करना सही है, समझे, भक्ति करना सही है, लेकिन अंधभक्ति करना सही नहीं है। हम आप जैसे जो है एगो पीआर टीम पूरा का पूरा नहीं रख ले हैं कि मतलब जो है यूट्यूब पे सब लोग लगल रहेगा, दूसरे पर निगेटिव कमेंट करवाएंगे, अपने निगेटिव कमेंट को डिलीट करवाएंगे और अपने पक्ष में पॉजिटिव कमेंट करवाएंगे। इस सब के लिए हमको फुर्सत ना है, हमको पढ़ाना है। आपको तो पढ़ाना उढ़ाना है नहीं, आपको तो जो मन है वो करना है, अपना मार्केटबाजी करना है, हमको तो पढ़ाना भी है, समझ गए। तो ये सब चक्कर में हम नहीं रहते हैं। और एक बात जान लीजिए कि कल हम रात में कमेंट देख रहे थे अपने YouTube चैनल का, तो जो लोग भ्रम में हैं वो अपने भ्रम को दूर कर ले। कोचिंग का तो दबदबा ऐसा है ना कि लोगों को दिखावा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते थे वो बहुत कुछ कर रहे हैं और हवा से उतर करके जमीन पे आ गए हैं, समझ गए। तो ये सब, और हम बोलते भी हैं हमेशा, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक कोचिंग का दबदबा बना रहेगा। जिस रोज हम भी बकैती करना शुरू कर देंगे, जिस रोज हम भी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, जिस रोज हम भी दिखावा करना शुरू कर देंगे, उस रोज कोचिंग का दबदबा खत्म हो जाएगा। ये बात हमको पता है। और आप विश्वास मानिए कि 2017 से लेकर अब तक, 2017 में हम जितना मेहनत करते थे उतना मेहनत हम आज भी कर रहे हैं।